इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ किस तरह अपने जीमेल आईडी को लिंक कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट है और वहां पर आप कोई ऑर्डर करते हैं, या फिर जब आपका रिफ़ंड आपको मिलने वाला होता है वो इश्यू हो जाता है, या फिर आप पेमेंट करते हैं वगैरह, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके रिलेटेड आपको जो भी अपडेट्स है वो आपके मेल आई डी पर मिलते हैं, तो आपके अमेज़ॉन के अकाउंट के साथ मेल आई डी लिंक होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिए। मैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के रिलेटेड ऑफर की जानकारी टेलीग्राम के चैनल के थ्रू देता रहता हूँ, जिसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपके पास एक अकाउंट वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर लॉगिन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। अगर आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना ईमेल आईडी लिंक अभी तक नहीं किया है तो यहाँ पर लिखा हुआ वाई एड एन ईमेल आईडी, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ईमेल आईडी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप अपने ईमेल आईडी के ज़रिए भी अमेज़ॉन के अकाउंट में साइन इन कर सके, और अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू आप उसको रिसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अभी यहाँ पर से ओके कर लेंगे। तो हमें ईमेल आईडी लिंक करना है, तो ईमेल आईडी के बाजू में यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। आप अपना जो वाला ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, लेकिन दोस्तों याद रखिए, आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी ऐड करेंगे उसका पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है और अगर फिर भी आप लिंक करना चाहते हैं तो आप उसका पासवर्ड सबसे पहले रीसेट करके उस ईमेल आईडी में लॉगिन होइए, क्योंकि आप यहां पर जो ईमेल आईडी एंटर करेंगे उस ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड जाएगा, सॉरी एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना होगा। मीन्स यहाँ पर आपको एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उसमें यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा, उस ओटीपी के बेस पर ही आप ईमेल आईडी ऐड कर सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना नया ईमेल आईडी एंटर कर देंगे जो कि हम ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। आपके उस वाला ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला गया होगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए हम अपना जीमेल आईडी जो था वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी एक अमेज़ॉन की तरफ से मेल आया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ओटीपी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 45106 9। ओटीपी यहाँ पर एंटर करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अभी सिर्फ आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हुआ है, ना कि ऐड हुआ है। ईमेल आईडी को ऐड करने के लिए या फिर लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको आपका जो भी अमेज़ॉन का पासवर्ड रहेगा वो एंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर अमेज़ॉन का पासवर्ड एंटर करके सेव चेंजेस कर देंगे और आपका जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए।